है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से असाइनमेंट फाइल को लेकर के, जो कि आपका टॉपिक इसमें दिया है मिड डे मील स्कीम यानी मिड डे मील प्रोग्राम को लेकर के हम टॉपिक चूज कर सकते हैं अपने फाइल के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसे हम अपनी फाइल के लिए इसलिए चूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका टॉपिक बीएड में भी दिया हुआ है, डीएलएड में भी दिया हुआ है, और साथ ही अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मिड डे मील स्कीम और देखते हैं इसमें क्या आप क्या कुछ कंटेंट बना सकते हैं अपनी फाइल वर्क के लिए, यानी क्या कुछ आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी फाइल में लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे मिड डे मील स्कीम, क्योंकि आप यही टॉपिक लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ हिंदी में डालिए, और चाहे तो आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि आपका डीएलएड हिंदी में होता है तो आप बिल्कुल हिंदी में ही सब चीजें डालेंगे, कहीं कहीं आप हेडिंग इंग्लिश में डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे यानी मिड डे मील स्कीम क्या होता है उसके बारे में आप भूमिका लिखेंगे। इसमें लिखेंगे भारत में प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हेतु भारत के स्वतंत्र प्रांत ही बहुत सी नीतियां बनाई गई, चूंकि हमारा उद्देश्य निश्चित वर्ग के सभी आयु वर्ग के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य के लक्ष्य को पाना था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा उन्नयन के लिए सुझाव देने के संबंध में 1957 में सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया। आगे दिया हुआ है, इस परिषद ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के संबंध में ठोस सुझाव दिए जिससे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1990 में विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा की गई। बिल्कुल ये भी पूछ सकता है विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए शिक्षा की घोषणा किस सन में की गई, तो आप ये बता सकते हैं, जिससे सभी देशों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में तेजी आई। 1994 में सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, आगे देखेंगे 15 अगस्त 1995 को सरकार ने छात्रों को स्कूल की तरफ से आकर्षित करने तथा उन्हें रोके रखने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की, जिसे पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। बिल्कुल मिड डे मील को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ये भी है, आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो बिल्कुल आप इंट्रोडक्शन आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे फाइल वर्क में। आगे देख लेते हैं, बिल्कुल आप मिड डे मील योजना की एक तालिका भी लगा दीजिएगा, साप्ताहिक आहार तालिका मेन्यू टाइप का। ठीक है, जिसमें आप बता देंगे कि क्या कुछ एमडीएम में बच्चों को दिया जाता है। आप बिल्कुल इसे नेट से डाउनलोड करके चिपका दीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, न्यूली आप चिपकाइएगा। तो बिल्कुल आप चाहे तो इसे बना भी सकते हैं, मैं लाइन से इसे आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। आगे देख लेते हैं क्या कुछ है, अगली हेडिंग देख लेते हैं। इसमें दी है मिड डे मील योजना का क्षेत्र, इसमें आपको बताना है इसका स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया है प्रारंभ में यह योजना केवल सरकारी प्राथमिक स्कूलों में लागू की गई। 1997 से 8 तक इसे देश के सभी प्रांतों के स्कूलों में लागू किया जा चुका था। 2002 में इस योजना में मुस्लिम द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को भी शामिल कर लिया गया। 2007 में उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, दिया हुआ है वर्तमान में कुछ सरकारी आर्थिक सहायता मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस योजना में भी शामिल कर लिया गया है। 2014 से 15 में यह योजना लगभग 11.5 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में चल रही है। इससे 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका मिड डे मील योजना का क्षेत्र यानी स्कोप, कहाँ से कहाँ तक फैला है, किसने किसने इसको लागू कर लिया है। ठीक है, आगे देखेंगे योजना की कार्य प्रणाली। इस योजना को राज्य सरकारों की सर्व शिक्षा अभियान समितियों के द्वारा संचालित कराया जाता है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में इस योजना का संचालन तथा निगरानी करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ही भोजन तैयार कराया जाता है। ठीक है, तो ये थी योजना की कार्य प्रणाली। आगे देख लेते हैं इस फाइल में और क्या कुछ है। दोस्तों अगली जो हेडिंग पड़ेगी वो मिड डे मील की आवश्यकता, आप ये हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्तमान में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा के स्तर को सुधारने के लिए खाद्य आधारित सुरक्षा तंत्र को सशक्त करने में सहयोग करता है। भारत में इसके सहयोग में मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जिसकी आवश्यकता को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी एमडीएम की, इसको हम देखेंगे लाइन से। इसमें पहला है फोर्टिफिकेशन
फोर्टिफिकेशन एक प्रयास और परीक्षण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है। चावल और गेहूं जैसे स्टेपल की फोर्टिफाई लोहे और विटामिन ए के साथ सफलतापूर्वक सफल हुआ है, मतलब ये करके जो है इसका फोर्टिफिकेशन करके ठीक है इसमें पोषक तत्वों को बढ़ाया गया, क्योंकि चावल और गेहूं में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनका फोर्टिफिकेशन करके इसमें पोषक तत्वों को बढ़ाया गया ताकि ये लोग जो है कुपोषित बच्चों में जो कुपोषण फैल रहा है उसको कम कर सकें। दूसरी जो हेडिंग है वो है एकीकृत सुरक्षित तथा स्वच्छ आदतें। इसमें क्या है, MDM में सुरक्षित और स्वच्छ आदतों को एकीकृत करना सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के द्वारा तैयार एवं उपभोग के समय निर्धारित किया जा सकता है। पाक और भंडार सुविधाओं में स्वच्छता होना आवश्यक है। तीसरी जो हेडिंग पड़ेगी वो है विद्यालय प्रबंधन में सुधार। विद्यालय प्रबंधन में सुधार, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ दिया है। इसमें आगे दिया हुआ है रसोई कर्मचारी तथा छात्र स्वयं योजना के आवश्यक सहयोग के लिए प्रबंधन करता है। रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच होना तथा उन्हें स्वच्छ आदतों जैसे खाना बनाने से पहले हाथ धोना आदि के बारे में जानकारी देना। तो ये था आपका विद्यालय प्रबंध में सुधार से संबंधित हेडिंग में आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आप हेडिंग डालेंगे शैक्षिक परिणामों पर मध्याह्न भोजन का प्रभाव, क्या कुछ प्रभाव पड़ा देखते हैं। भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम यानी MDM का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी अनुदानित जो भी अनुदान यानी जो भी राशि दी जाती है विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के पोषण में सुधार करना है। यह विद्यालय उपस्थित और स्कूल में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। MDM का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को 700 कैलोरी और 200 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में लौह और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषण तत्वों को भी प्रदान करना है, ठीक है। तो ये थे शैक्षिक परिणामों पर मध्याह्न भोजन का प्रभाव। इसी में आगे कुछ हेडिंग्स दी हैं, वो भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें दिया है इस प्रकार मिड डे मील कार्यक्रम की प्रभावशीलता को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। इसमें पहला दिया है नामांकन स्थिति, नामांकन की स्थिति बढ़ी यानी इसका जो प्रभाव था सबसे पहले नामांकन पर पढ़ा, बच्चों के नामांकन पे छात्रों की कुल संख्या 6 से 11 वर्ष जो स्कूल नामांकन के योग्य थे वे कुल जनसंख्या की 14% थे यानी 14% ही बच्चे जा रहे थे जो कि 6 से 11 वर्ष के थे। अतः MDM कार्यक्रम के साथ स्कूलों में दाखिला संख्या 68% हो गई यानी बच्चों की संख्या देखिए कितनी बढ़ गई। जहां 6 से 14 वर्ष के बच्चे 14% ही जाते थे स्कूलों में, अब उनकी संख्या MDM आने से बढ़ गई यानी खाने के लालच में बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ी, नामांकन स्थिति बढ़ी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा है उपस्थिति, मिड डे मील के प्रभाव से छात्रों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, बच्चे स्कूल आने लगे। तीसरी हेडिंग देखेंगे प्रतिधारण दर, MDM स्कूलों में कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 80.2% किया, मतलब जो प्रतिधारण क्षमता थी वो 80.2% किया। इन छात्रों को अगले 4 वर्षों के लिए दाखिला एवं पदोन्नति दी गई, ठीक है, जब धारण क्षमता इनकी बढ़ी तब की बात है। चौथा पॉइंट है ड्रॉप आउट, मिड डे मील ने विद्यालय में छात्रों की संख्या को बढ़ाने में सहयोग किया, जो छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे उनके लिए ये कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र है जिससे वे विद्यालय में रुकने के लिए बाध्य हो गए। यानी MDM ने बच्चों को, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और बीच में छोड़ दे रहे थे, ठीक है, किसी भी वजह से, तो उनका ड्रॉप आउट यानी बीच में ही छोड़ देना ड्रॉप आउट होता है, ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट की संख्या कम की MDM ने। पांचवा है शैक्षिक प्रदर्शन, मिड डे मील के प्रभाव से छात्रों की स्कूल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है, कुल दाखिले दर को प्रोत्साहन मिला एवं छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। आगे देखेंगे मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या कुछ थे,
इसमें पहला है मिड डे मील योजना के निम्न उद्देश्य, आप ये हेडिंग डालेंगे। इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें शुरू करेंगे प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की प्रवेश संख्या में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोककर। अपव्यय का मतलब क्या होता है? जो बच्चे किसी भी कारण से विद्यालय या स्कूल बीच में ही छोड़कर चले जाते थे, वो अपव्यय हो गया, ठीक है। बालकों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना, ठीक है, तो ये भी उद्देश्य था एमडीएम का। तीसरा, छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना। पांचवा है बिना किसी भेदभाव के एक साथ भोजन करने से भ्रातृत्व का भाव उत्पन्न करना, जाति भेदभाव को खत्म करना, ये सब मिड डे मील योजना के उद्देश्य थे, ठीक है। आगे दिया है मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछे मिड डे मील योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो बिल्कुल आप बताएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार तर अनुपात 25 के अनुपात में व्यय करती है दोनों सरकारें। सरकार भोजन के लिए खाद्य सामग्री, गेहूं, चावल व अन्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। भोजन कराने के लिए 25 बालकों पर एक रसोईया तथा एक सहायक, 25 से अधिक बालकों पर दो रसोईया तथा दो सहायक की व्यवस्था है जो भोजन पकाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी मिड डे मील योजना की उद्देश्य। आगे देख लेते हैं, अगली जो हेडिंग आपकी पड़ेगी वो मिड डे मील योजना का मूल्यांकन, या इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसका मूल्यांकन जो होगा इसे गुण व दोषों के आधार पर ही संभव होगा। देख लेते हैं, मिड डे मील योजना का मूल्यांकन किया जाए तो उसका विवरण इस प्रकार है, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पर इसका मूल्यांकन होगा। मिड डे मील योजना के प्रमुख गुण इस प्रकार है, इसमें पहला है इस योजना को लागू करने के बाद से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है। दूसरा है पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व मुस्लिम छात्रों का नामांकन बढ़ा है। तीसरा है इस योजना के बाद से ही बीच में स्कूल छोड़े जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है, अर्थात अव्यय की समस्या का समाधान हुआ है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं, इस योजना के कारण गरीब परिवार के बच्चे जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिलता था उन्हें पौष्टिक आहार मिलने लगा है, जिससे उनका पोषण हुआ है। छात्रों को एक साथ बैठकर खाने से जातिगत भेदभाव भी कम हुआ है। आगे इसमें दिया है इस योजना को शिक्षा सत्र 2014-15 तक देश के 11.5 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में लागू किया जा चुका है और इसे 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित तो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मिड डे मील योजना का मूल्यांकन में गुण थे, ठीक है। आगे देखेंगे दोष यानी डीमेरिट्स मिड डे मील के, आगे देखेंगे इसमें दोष यानी डीमेरिट्स क्या है। मिड डे मील के प्रमुख दोष इस प्रकार है, इसमें पहला पॉइंट है जो धनराशि सरकार से इस योजना के लिए स्कूलों को प्रदान की जा रही है उसका सही प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है आए दिन समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रहती है कि मिड डे मील खाने से छात्रों की तबीयत खराब हो गई है। इसका प्रमुख कारण है मिड डे मील बनाते समय सफाई का ठीक प्रकार से ध्यान न रखना। तीसरा पॉइंट है इसी में, इस योजना के प्रति स्कूल गंभीर नहीं है जिससे यह योजना ठीक प्रकार से चल नहीं पा रही है, ठीक है। चौथा है कोई भी योजना छात्र के जीवन से खिलवाड़ करने नहीं देती, अर्थात इसकी इजाजत प्रदान नहीं करती है, ठीक है। इस योजना के प्रति गंभीरता न होने से यह बालकों के लिए ज्यादा कष्टदायी सिद्ध हो रही। अगला पॉइंट है छात्रों को केवल लाभान्वित करता है एमडीएम, ठीक है, तो ये दोष था। आगे देखेंगे निष्कर्ष क्या है, इस योजना में अच्छाइयां तो हैं परंतु साथ में कुछ बुराइयां भी हैं। इस योजना को लागू हुए बहुत समय हो गया है परंतु इससे जो लाभ होने चाहिए थे उनका प्रतिशत कम है। यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति अपना कार्य निष्ठा व ईमानदारी से करे तो इस योजना से बहुत से लाभ हो सकते हैं, ठीक है। अपव्यय की समस्या का समाधान तथा सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अपव्यय का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ दे रहे थे, ठीक है, उनके समाधान को असार्वभौमिकरण यानी सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सभी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना,
इस लक्ष्य को प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस योजना में हो रही लापरवाही की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब ही यह योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी। तो ये थे MDM के लिए निष्कर्ष, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं अपनी फाइल में। आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस।